तो इल्तुतमिश अपने आप को क्या मानता था? इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक। बगदाद के खलीफा से मंसूर की उपाधि मिलती थी, मंसूर वाजे सर्टिफिकेट और परमिशन था, एक ग्रांट था। तो इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को दे गॉट मंसूर फ्रॉम कैलिफ। तो खलीफा से इनको एक मंसूर मिलता था। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो मिलिट्री की होती थी। अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री, जो सैन्य संगठन था, माने मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में था? सुल्तान के हाथ में था, इन हैंड्स ऑफ सुल्तान। तो दिल्ली का जो भी सुल्तान होता था, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल जो है उसके हाथ में होता था, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री, और प्रशासनिक नियंत्रण भी उस सुल्तान के हाथ में होता था। तो ये खासियत थी प्रशासनिक। देखिए अब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि स्थानिक प्रशासनिक सुधार कार्य हुए हैं जो लोकल एरिया में, ये क्या हुए। तो इकता सिस्टम जो है, इकता प्रणाली चलती थी। इकता प्रणाली इसमें क्या होता था, जो क्षेत्र प्रोविंसेस नोबल के अंडर में, तुर्कों के अंडर में होता था, उनको हम लोग इकता कहते थे। इकता वेयर द रीजन अंडर कंट्रोल ऑफ नोबल्स। ये जो तुर्क सरदार होते थे, तुर्की के जो सरदार होते थे इनको नोबल्स कहा गया। ये इल्तुतमिश ने जारू ये सिस्टम लागू किया था, तुर्के चहलगामी है ना। और इस इक्ता का हेड कौन होता था? वाली। वाली वाज द हेड ऑफ इक्ता। जो कि दे वे आर अंडर द गवर्नर, गवर्नर के अधीन होते थे। और इस इकता का प्रधान वाली को कहा गया है। ये एक प्रश्न आया है परीक्षा में, हु वाज द हेड ऑफ इकता सिस्टम। इकता सिस्टम का प्रधान वाली होता था। तो सिक्स सिक्स जो है वो बने होते थे। तो इकता वे आर डिवाइडेड इनटू, जो आज जिले हैं ना उनको हम सिक्स कहते थे या परगना। तो जो जिले हैं उनको सिक्स कहा गया था। इकता वे डिवाइडेड इनटू सिक, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हैं। और सिक का हेड होता था सिकदार। जैसे सिपाहियों का सिपा सलार होता था ना, उसी तरीके से सिख का प्रधान सिखदार होता था। तो उसके बाद परगना होते थे, छोटी छोटी इकाइयां होती थी। तो सिख सिख जिलों को जो है परगनों में बांटा गया था। तो आप जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना जानते हैं ना, तो ये जिलों के अंतर्गत आता था, परगना थे। तो ये सब झलक मिलती है भारत के इतिहास में। तो सिख वेयर डिवाइडेड इंटू ऑर्गेनाइज, जो कि हेडेड होता था अमीन के द्वारा, हेडेड बाय आमिल। आमिल देखिए, गांव जो होते थे, गांव का प्रधान जो हेडमैन होता है, तो आप हरियाणा में जाओगे तो गांव के प्रधान कौन है? चौधरी है। तो उसको चौधरी कहा जाता था।
और गांव का जो अकाउंटेंट होता था उसको पटवारी बोला जाता था। आज भी मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि पटवारी की वैकेंसी आई है। तो एक फिल्म ऑडियो वीडियो क्लिप भी बनाया था स्टूडेंट ने, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने, कि पटवारी का क्लिप, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत खुश होते थे। और सनी देओल की एक फिल्म है मंदाकिनी, उसी फिल्म के तर्ज पे उन्होंने वीडियो बनाया था। वैकेंसी तो आती है लेकिन रिक्रूटमेंट होता नहीं है, तारीख पे तारीख आती है। तो ये पटवारी कहलाते थे। तो पटवारी विलेज के लेखपाल होते थे, अकाउंटेंट, और गांव का प्रशासनिक हेड होता था हेडमैन चौधरी, नायाब जो पोस्ट होता था नायाब, वो बहुत बड़ा पद होता था, ग्रेटेस्ट पोस्ट। टू कंट्रोल ऑल ओवर डिपार्टमेंट, सारे विभागों की ये निगरानी करता था नायाब, ग्रेटेस्ट पोस्ट टू कंट्रोल ऑल ओवर डिपार्टमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सभी विभागों की निगरानी ये विभाग करता था, नायाब का विभाग। तो ये सर्वोच्च पद था और इसको सुल्तान का सारा पावर दिया गया था, इंजॉयड ऑल पावर ऑफ सुल्तान। तो ये नायाब जो है सबसे बड़ा पद था, मंसूर मिलता था, एकता प्रणाली, सिख सिकदार, वाली हेड होते थे एकता के, परगना में हेडमैन होता था चौधरी, गांव में गांव के प्रधान और पटवारी होते थे लेखपाल, परगना के हेड होते थे आमिल, तो आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट वाज द इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत। लैंड, भूमि को तीन भागों में बांटा गया था, तीन सेगमेंट था जमीन का, एक तो एकता लैंड, एकता जमीन, एकता भूमि, किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए पैसा ना दे करके ये जमीन ही दे दिया जाता था। आज कोई आदमी काम करता है तो उसको नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन सुल्तान उसको नगद वेतन ना दे करके जमीन दे देते थे। इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेस, लैंड्स वेयर ग्रांटेड, तो जमीन मिल जाती थी बाय सुल्तान, ठीक। तो इस जमीन को एकता भूमि कहा गया। दूसरी जमीन जो है वो खालसा जमीन, खालसा लैंड, वो जमीन जो डायरेक्ट कंट्रोल में है सुल्तान के, लैंड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान। तो ये खालसा जमीन थी। और तीसरा है इनाम लैंड, इनाम, तो इनाम लैंड, एक इनाम कमीशन आया था लॉर्ड विलेजली के समय, तो वो तो बाद में है लॉर्ड विलेजली, आधुनिक भारत में। ये इनाम लैंड वो जमीन होती थी जो रिलीजियस पर्सन या इंस्टीट्यूशन उसको दान में दे देते थे, डोनेट कर देते थे। डोनेट दिस लैंड, इस जमीन को ये दान में दी गई भूमि होती थी इनाम लैंड। तो एकता लैंड जो किसी व्यक्ति को उसके सर्विस के लिए पेमेंट किया जाता था, और
खालसा लैंड जो डायरेक्ट कंट्रोल में था सुल्तान के, और ये धार्मिक किसी संस्थान या धार्मिक गुरु द्वारा या धार्मिक किसी व्यक्ति द्वारा ये जमीन दान में दी जाती थी, तो इस तरह का जमीन होता था। तो अलाउद्दीन जी खिलजी जो है वन थर्ड और हाफ टूक एज लैंड रिवेन्यू ऑन प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप, जो फसल उपज होती थी उन पर वो 1/3 या 1/2, तो 1/2 हिस्सा वो लेता था टैक्स, और कुछ सुल्तान जो है 1/3 लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने आए सब 50% टैक्स लेने लगे। और यहाँ पे देखिएगा कि पेपर इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश हुई। दिल्ली सल्तनत के समय सिल्क, कॉटन, पेपर उद्योग बहुत तेजी से चला। एक सिल्वर टाका चला जिसकी कीमत जो है खिलजी के समय में 48 जीतल कॉपर के बराबर थी। तुगलक के समय और 50 जीतल थी। सॉरी, ये खिलजी के समय थी। खिलजी के शासनकाल में 48 था, तो तुगलक के शासनकाल में 50 था। खिलजी के शासनकाल में एक चांदी का सिक्का जिसकी कीमत 48 तांबे के सिक्कों के बराबर थी, और तुगलक शासनकाल में एक चांदी के सिक्के की कीमत 50 जीतल ऑफ कॉपर के बराबर होती थी। माने सिल्वर वाज कॉस्टली मेटल देन कॉपर, आज भी है। एक तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का कॉस्टली है, और उससे भी ज्यादा गोल्ड है। गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली प्लैटिनम। सबसे कॉस्टलीएस्ट मेटल कौन है? प्लैटिनम सबसे महंगा धातु है। सोशल लाइफ के बारे में देखते हैं। सोशल लाइफ में देखिएगा कि ब्राह्मिन्स वेयर एट द टॉप, एट द टॉप, टॉप में होते थे, हैविंग ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। उस समय कास्ट सिस्टम चल रहा था और ब्राह्मिन वेयर एट द टॉप पोजिशन, ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए सती और पर्दा प्रथा बैंड था। महिलाओं को सती नहीं होना है। विधवा महिलाएं जो है पहले सती हो जाती थी जौहर व्रत का पालन करते हुए। तो फॉर वुमेन सती एंड पर्दा, सॉरी, सती प्रथा थी उस समय, सती और पर्दा प्रथा उस समय थी, वाज प्रीवेलेंट उस समय समाज में, सती प्रथा थी एंड पर्दा प्रथा भी थी। मतलब महिलाएं घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। महिलाओं के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन था, कहीं आना जाना अलाउड नहीं था, और सती प्रथा भी थी। तो राजपूताना परिवार में ऐसा होता था, लेकिन सती प्रथा को खत्म किसने किया भारत के इतिहास में? राजा राम मोहन राय ने 1854 में विडो रीमैरिज एक्ट सती प्रथा को खत्म कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो पर्दा प्रथा भी खत्म हो गया, तो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। यहाँ इंटर मैरिज अलाउ नहीं था। यहाँ तुर्क रहते थे, ईरानी रहते थे, और भी अदर इंडियन मुस्लिम रहते थे, अफगान रहते थे,
देयर वॉज नो इंटर मैरिज अलाउड। एंड इंडियन मुस्लिम के बीच इंटर मैरिज वॉज नॉट अलाउड। तो उस समय तो अलाउ नहीं था। रेगुलर अपडेट पाने के लिए इस चैनल का इसको सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाएं।